फ्रेंड्स, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और जिसकी खुशी पूरे झारखंड में है। और आज चंपई सोरेन के नेतृत्व में कई एक मंत्रियों ने शपथ लिया, जिसके उपरांत सभी मंत्रियों ने पद और गोपनीयता के शपथ के साथ साथ राज्य की सेवा करने की भावना व्यक्त की और उनकी बातों को लेकर कई एक गणमान्य नेताओं ने अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं उनकी बातें। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में आज मंत्रालय का गठन हुआ है और युवा चेहरे को आने का मौका मिला है, क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि स्वयं आप महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं। आज हमारे झारखंड में आंदोलनकारी के साथ साथ हमारे गुरुजन हैं चंपाई दा, वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं। आज जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, युवा चेहरा के साथ साथ महिलाओं को इसमें स्थान मिला है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे गुरु जी को, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को। दादा, आप बहुत जुड़े रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से, चंपई दा से आप बहुत जुड़े रहे हैं, उनके हर एक नेतृत्व को और कृतित्व को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आपने जो आज देखा कि मंत्रिमंडल का गठन पहली बार ऐसा हुआ कि चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और अनेकों चेहरों को जगह मिला उसमें, क्या कहना चाहेंगे, आज इस पूरे समीकरण पर क्या बताना चाहते हैं? देखिए, राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी एक सुलझा हुआ व्यक्ति है और जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से हम लोग गुरु जी के साथ उनका आंदोलन को हम लोग देखे हैं, चाहे वो टिस्को का आंदोलन हो, चाहे राज्य में किसी तरह का भी आंदोलन हो, झारखंड आंदोलन से लेकर के हम लोग उनको दिशा देने का काम किया है। और आज जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि दीपक बिरुआ को स्थान मिला है हो समुदाय से, इसके लिए हम चंपाईदा को बधाई देते हैं, क्योंकि हो समुदाय कोल्हान में बहुल इलाका है और इसको देखते हुए आदरणीय चंपाई सोरेन जी जो स्थान दीपक बिरुआ को दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरह से डुमका, आज डुमका संथाल परगना में संथाल समुदाय का बहुल क्षेत्र है, आज हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से फंसाया गया ईडी द्वारा और उसका नेतृत्व आज बसंत बाबू को मिला है, इसके लिए भी हम राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री चंपाई दा को हम बधाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के आज महिला को सम्मान दिया गया है, युवाओं को सम्मान दिया गया है और जिस तरह से चंपाई दा ने कहा कि हम हेमंत सोरेन के पार्ट टू का काम हम करेंगे, सही मायने में वो जमीनी स्तर के केडर रह चुके हैं और वो करते करते आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वो स्थापित है। तो कुल मिलाकर के आज पिछले जो सरकार काम कर रही थी, सुचारू जनता के बीच में जाने का जो काम कर रही थी, और निश्चित रूप से जनता के पक्ष में निर्णय आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री लेंगे और जितने भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए वो भी जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। जी दादा, आप उपाध्यक्ष भी हैं, सभी मंत्रियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी मजबूत है, पार्टी के बाद ही कोई पद होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा में खासकर, तो क्या संदेश देंगे आप? देखिए, एक मैं छोटा सा शायरी दे करके समाप्त करता हूँ। ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो इसीलिए गम सुख और दुख आने जाने का है, दुख को भुला करके और सुख के जो हम लोग पायदान पर जो चलने जा रहे हैं, दुख को भी हम लोग लेकर के चलेंगे और सुख को भी लेकर के चलेंगे और जनता का हित में हम लोग काम करेंगे, यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं पूर्वी सिंहभूम की ओर से, और सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने इशारों में ही सारी बातें कह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।